हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अमेजिंग थिंग्स और आज हम आपके लिए लेके आए वाटर पम्प। जैसे आप देख सकते हैं इसमें मैंने एक छोटा जो क्रीम बॉक्स आता है वो यूज़ किया है। जो पीवीसी पाइप होते हैं उनको जो चिपकाने के लिए टेप आता है उसका मैंने कवर यूज़ किया है इसमें मैंने, और इस पर मैंने ग्लूगन भी यूज़ किया है और MCL भी, मतलब जो डीसी के अंदर जो DC मोटर है उस तक पानी ना पहुँचे। और इसमें मैंने किए प्लास्टिक का पाइप यूज़ किया है थोड़ा सा। और अंदर आप देख सकते हैं इसके मैंने प्रोपेलर है जो पानी को रोटेट करके पाइप के थ्रू बाहर निकालता है। और इसका जो मैं क्रीम का जो बॉक्स है इसका ढक्कन है इसमें मैंने खोल किया जिसके अंदर पानी लेता है अंदर, मतलब खींचता है और पाइप के ज़रिए बाहर फेंकता है। इसके जो प्रोपेलर है और जो डीसी मोटर इस वाले चैम्बर में बीच में ये खाली है, इसके अंदर मैंने एक शाफ्ट यूज़ किया है जो प्रोपेलर को डीसी मोटर से कनेक्ट करता है। और जो इसमें मैंने एक पतला वायर यूज़ किया है इसमें एक रेड वायर है वो पॉजिटिव है, वाइट वाला नेगेटिव है, आप देख सकते हैं। और इसमें टिप ऐसी मतलब डेकोरेट करने के लिए आते थोड़ा इसका लुक अच्छा लगे। और इसको आप यूज़ करके दिखाते हैं, मैंने इसको DC कन्वर्टर से कनेक्ट कर रखा है क्योंकि इसमें DC मोटर लगी हुई है। और हम आपको इसको यूज़ करके दिखाते हैं कि मैंने उसमें पानी भर रखा है और आप इसको यूज़ करके दिखाते हैं। हम इसको ऑन करते हैं, देख सकते हैं आप इसमें से आवाज़ आ रही है। और मैंने इसे पानी में रखा है और पानी फेंकना इसने स्टार्ट कर दिया है, देख सकते हैं आप, आपको दिख रहा होगा जो पाइप है उसमें से पानी बाहर आ रहा है। एक इसके अंदर आपको दिखाते हैं, ये देखिए प्रोपेलर घूम रहा है, बहुत तेज़ घूमता है जिसकी वजह से पानी रोटेट होता है और पाइप के खींच के बाहर आता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।